घुटनों का दर्द चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, इसे लगाते ही मिलेगा आराम। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, अगर तेल से मालिश किया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा तेल की रेसिपी बनाना सिखाने वाला हूं, जिसकी सहायता से अगर आप अपने घुटनों के दर्द के ऊपर लगा करके सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट तक मसाज करते हैं तो आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। आपकी दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। दोस्तों आजकल के समय में घुटनों का दर्द होना, कंधों का दर्द होना, कमर दर्द होना बहुत ही आम बात हो गई है, क्योंकि आजकल के समय में हमारी जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। आजकल के समय में हर व्यक्ति बैठे बैठे काम करना चाहता है, अपने शरीर से कोई भी शारीरिक वर्क नहीं करना चाहता है, जिसके चलते हमारा शरीर अकड़ जाता है। अकड़ने के साथ साथ हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र में घुटनों का दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना आम बात है, क्योंकि जब भी हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होती जाती है और बाद में घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने फायदे के लिए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह नुस्खा बहुत ही आजमाया हुआ है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको इस तेल को तैयार करना है और इसे किस तरह से मसाज करनी है और कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप एक खाली कटोरी को गर्म कीजिए। आप चाहें तो आप लोहे का बर्तन भी ले सकते हैं। गर्म करने के बाद आप 10 चम्मच के बराबर शुद्ध सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों का तेल दर्द को कम करने में अच्छा काम करता है। और इसके बाद आप यहाँ पर लीजिए एक बड़ा दालचीनी को। दालचीनी दर्द निवारक औषधि के तौर पर काम करता है और इसे आप तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आप इस सरसों के तेल में ही इसे डाल दीजिए। फिर आप यहाँ पर लीजिए ये दोस्तों 5 लहसुन की कलियों को, आप इसे छील लीजिए। छीलने के बाद आप इस तेल में ही इसे डाल दीजिए और अंत में यहाँ पर डालिए आधे चम्मच के बराबर ये दोस्तों मेथी के दानों को। ये आपको किसी भी किराने की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आप इन सभी को 10 मिनट तक पकने दीजिए। पकने के साथ साथ आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहें। ध्यान रखें, आप इसे चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा तेल तैयार होगा, नहीं तो बीच में यह जल जाएगा। और 10 मिनट पकने के बाद आप जो है गैस को बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद आप चाय छन्नी की सहायता से किसी भी छोटे से बर्तन में तेल को छान लें। और दोस्तों जब यह तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आपको इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना रहे, थोड़ा सा गर्म रहे, तब आप इसका मसाज करनी है। और इसके लिए आप अपने उंगलियों की सहायता से इस तेल को ले लीजिए और अपने घुटनों के दर्द के ऊपर लगा करके हल्के हल्के उंगलियों की सहायता से मसाज कीजिए। लगातार 15 मिनट तक मसाज कीजिए। 15 मिनट मसाज करने के बाद ही देखेंगे आपकी घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा। और जब भी आपको दर्द हो तब इस तेल का प्रयोग करते रहिए। आप इस तेल को बना करके कुछ हफ्तों तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। इसके निरंतर प्रयोग से आपके घुटनों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बहुत ही आसानी से दूर हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्द जुड़ते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।